थोड़ा धर्म भी होना चाहिए, थोड़ा विकास भी होना चाहिए। ये नहीं खाली धर्म हो, विकास भी हो, धर्म भी, दोनों संग चलने चाहिए। कांग्रेस का कुछ खाता वाता खुलेगा? कांग्रेस को खाता हो ना के बार बार खुले हो, कांग्रेस में है क्या है और क्या है इससे ज्यादा, इससे ज्यादा क्या हुआ है? मत नहीं दिख रहा विकास हुआ मथुरा के। चार पीढ़ी की चुनावी कवरेज कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा आ चुकी है। मथुरा एक हॉट सीट है क्योंकि यहाँ से सांसद है हेमा मालिनी। 2019 में जब चुनाव हुआ था तो यहाँ पर क्या हुआ था कि आरएलडी के जो नरेंद्र सिंह थे उन्होंने टक्कर दी थी, दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन आरएलडी तो इस बार खुद बीजेपी के साथ, इस बार कौन टक्कर देगा? हालांकि जो इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी है उनका नाम है मुकेश डांगर। देखते हैं कितने पावरफुल साबित होते हैं, कितनी टक्कर दे पाते हैं। बीएसपी में यहाँ से अपना कैंडिडेट उतारा है, उनका नाम है सुरेश सिंह। अब मथुरा में क्या माहौल है, किसकी हवा चल रही है, किस पार्टी का रुझान है? क्योंकि आरएलडी तो बीजेपी के साथ है, अब कौन टक्कर देगा? पिछली बार जो हुआ था कि नरेंद्र सिंह ने टक्कर दे दी थी, लेकिन आरएलडी तो अब खुद बीजेपी के साथ है। अब ऐसे में देखना मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। यहाँ पर जानते हैं, आइए कुछ लोगों से अब बात करते हैं कि क्या माहौल है। चुनाव है, सब कुछ चल रहा है, भीड़ भाड़ भी है, कौन आगे चल रहा है? कौन? मोदी जी। मोदी जी आगे चल रहे हैं और क्या? कैसे? मोदी के सिवा और कुछ है ही नहीं। अच्छा, किसको वोट दें मोदी के सिवा? अपने देश को, राष्ट्र को बचाना है, देश को बचाना है तो मोदी के सिवा और कोई बचाना है? राष्ट्र देश को खतरा किससे पहले? खतरा तो देखो, वैसे तो किसी का खतरा नहीं है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी छुपी हुई गुप्त चीजें हैं, इनसे हमको देश को बचाना है। क्या गुप्त चीजें? एक दो बता दो। देखो, एक तो सबसे बड़ी है, इनसे बचाना है। कौन जाती है जो अपने देश को, राष्ट्र को बर्बाद करना चाहते हैं? भारत में रहते हुए भी भारत की जो बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। कहाँ पे सुना आपने? है कश्मीर में सुना है, पूरे देश में हर जगह सुनते हैं। रामनवमी पे पत्थरबाजी होती है, इनसे बचाना है। अच्छा, और देश को अगर विकास में लाना है तो मोदी जी को जिताना होगा। 10 साल का आप ऐसे दो तीन लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी का टारगेट करना अच्छा? हम कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे। मैंने धर्म का नाम नहीं लिया, मैंने नदियों का नाम लिया है, समझ रहे? नहीं, मैं अगर बोल तो बात मेरी माननी थी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आदि कुछ लोग हैं जो देश को बर्बाद करने की। मुद्दों पे काम हो रहा है सर। अच्छा, आप हमारे मथुरा में देख लो, 10 साल में इतना विकास हुआ है कभी नहीं हुआ था। रोड चौड़े हो गए, गलियां बन रही हैं, चौराहे आप देख रहे हो, ये जेई चौराहे पे कितनी जाम लगा रहता था, आज इसी चौराहे पे कितना विकास हो रहा है, और क्या चाहिए हमको? डांगर साहब जो है कांग्रेस के प्रत्याशी इस बार के, जानते ही नहीं है इनको? हम जानते ही नहीं है, हम तो हेमा मालिनी को जानते हैं बस, जो हमारी सांसद है। और लोगों की एक शिकायत है, हमारे नहीं ग्राउंड पे नहीं आती है। हाँ, क्या शिकायत बताओ? ये लोगों की शिकायत है कि वो कभी ग्राउंड पे नहीं आती, देखती नहीं है कभी। नहीं, बेशक नहीं आती है, लेकिन काम करवा रही है। काम करवा रही है, हमको काम चाहिए, इनकी शक्ल नहीं चाहिए, वो काम करवा रही है। मथुरा में विकास हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है, और क्या चाहिए मथुरा वालों को बताओ? देखो, सबसे मेन चीज़ रोड है, मंदिरों का विकास हो रहा है, गलियों में जो पक्की सड़कें हैं, पाइप है, पानी लेने, गैस लेने, सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। पहले इन रोडों पर पानी भरा रहता था, गड्ढे होते थे, आज वही रोड सारी ठीक हो गए। हाँ, थोड़ी बहुत कमियां तो होती हैं। देखो, हम ये नहीं कहते कि 70 साल की कमी 10 साल में पूरी हो जाएगी, धीरे धीरे होगी। जिस तेजी से 10 साल में विकास हुआ है, इस तेजी से कभी नहीं हुआ था। 70 साल की कमी 10 साल में पूरी कर रहे हैं आप, ये बोल रहे कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ, लेकिन जिस हिसाब से होना था देश में, इस हिसाब से नहीं हुआ। एक लेवल होता है कि 70 साल बहुत होते हैं, 70 सालों में 5% काम हुआ, लेकिन 10 साल में 75% काम हो गया। 70 साल में आप बोल रहे हैं कि 5% काम हुआ है, 10 साल में 75% काम हो गया। 10 साल में 75% काम हुआ है। अब कंपैरिजन करोगे तो आप कैसे कंपैरिजन करोगे? बहुत सी चीजें हैं। अब आपका एक घंटे का इंटरव्यू हो जाएगा अगर मैं बताऊंगा आपको, तो बताओ। बहुत सी चीजें देखो, चारों तरफ तो विकास हो रहा है, ऐसे ब्रिज बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, और कानून देख लो आप, यूपी सरकार में पहले तवंची चलते थे, अब कहाँ चल रहे हैं? जगह जगह गुंडागिरी होती थी, चौराहों पर वसूली होती थी, अब सारी चीज़ें बंद हो गई। तो विकास का एक पैमाना नहीं है, विकास के बहुत सारे पैमाने हैं। जैसे कांग्रेस के टाइम में बने थे ये एम्स वगैरह, IIT वगैरह सब बने थे बड़े बड़े, है ना? हाँ, इन सब से हमारे जो देश के नौजवान निकलते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में काम करते हैं। तो अभी क्या ये हुआ है कि 10 सालों में कितने एम्स बन गए? उन्होंने 5-6 बनाए, मोदी जी ने 10-12 बना दिए। हॉस्पिटल एक से बड़े बड़े बन रहे हैं, और क्या चाहिए आपको बताओ? एजुकेशन में बहुत सी चीज़ें बदलाव हो रहे हैं, पॉलिसी में बदलाव हो रहे हैं। हाँ, पॉलिसी में बदलाव हो रहे हैं, और सरकारी स्कूलों में भी बदलाव हो रहा है, और क्या बदलाव चाहिए आपको बताइए? चलो जी, तो मथुरा में एक तरफा लहर माने पर? हाँ, मथुरा में बीजेपी है, मथुरा में नहीं, पूरे भारत में बीजेपी है, पूरे भारत में। हाँ, बीजेपी के सिवा और कोई है नहीं। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करेंगे सर। क्या माहौल लग रहा है वाले नहीं मौजूद? आपके हनुमान जी का माहौल है पूरा, जय श्री राम। अच्छा, हाँ, बीजेपी की लहर माने? हाँ, बीजेपी पूरी लहर है, 100% जीतेगी। कांग्रेस खाता खोल पाएगी यहाँ पे? नहीं खोल पाएगी किसी भी हालत में, पूरी यूपी में नहीं खोल पाएगी। पूरी यूपी में नहीं खोल पाएगी ना? ऐसा क्यों? मतलब कांग्रेस की स्थिति खराब है, कोई नेता नहीं है कांग्रेस में।
नेता आ जाएगा तो कांग्रेस की स्थिति अच्छी हो जाएगी। कौन नेता आएगा, कौन है कांग्रेस में आने लायक अब बताइए। राहुल गांधी को बार बार आगे लेकर आते हैं, राहुल गांधी बिल्कुल बेकार है, और कोई उनके पास नेता नहीं है, जो है वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मोदी की सरकार बनेगी 400 पार, 400 पार कर रहे हैं, पार कर जाएंगे, मैंने कोई रोक ना सके। तो कांग्रेस का कुछ खाता वाता खुलेगा? कांग्रेस को खाता वक्त ना के बार बार खुला हुआ, कांग्रेस में है क्या है? तो हेमा मालिनी, लोगों की शिकायत है कि हेमा मालिनी यहाँ कभी घूमने नहीं आते। देखिए मोदी के नाम पे वोट पड़ रहा है, मोदी और मोदी और योगी के नाम पर ऑल ओवर इंडिया वोट पड़ रहा है, ना कि कैंडिडेट देख रहा आदमी, क्योंकि प्रधानमंत्री से मतलब है, सांसद से कोई मतलब नहीं है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप नौजवान हैं, तो जो नौजवानों के मुद्दे होते हैं वो उठाए जा रहे हैं कि नहीं? अब जो ऐसी मुद्दे वो उठाए जा रहे हैं, ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं सर, नौजवानों के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे ना। क्या क्या नौजवानों के मुद्दे होने चाहिए? नौकरी है, अच्छी शिक्षा है, हॉस्पिटल है, बेरोजगारी है, और यहाँ के मथुरा लोकल के जो समाज के कार्य से यमुना जी की सफाई है, ये काम होने चाहिए, वो कई काम होने, मंदिरों का मतलब सौंदर्यीकरण है, कुछ भी काम नहीं हो रहे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई थी जिसमें दावा किया गया था भारत के अंदर 83% युवा पढ़ा लिखा बेरोजगार है। जी ऐसा दावा किया गया, बिल्कुल सही दावा किया जा रहा है। तो सही है ये स्थिति? बिल्कुल सही है। कैसे कम किया जाएगा इसको? कैसे कम किया जाए? नौकरी दे के और मतलब व्यापार को बढ़ावा दे के, जिससे कि नौकरियाँ उत्पत्ति हो, जिससे लोगों को रोजगार मिले, और लोगों के लिए इंटर्नशिप जैसे प्रोग्राम शुरुआत करके लोगों को रोजगार दिया जाए, युवाओं को उससे रोजगार बढ़ेगा। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे हेमा मालिनी मौजूद है, हेमा मालिनी जी जो है मथुरा के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। अच्छा। और ठीक है, मोदी जी विकास का कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, डेवलपमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ। और हिंदुत्व के लिए भी काम किया है, मंदिर का काम करा, धारा 370 करी, और आने वाले समय के अंदर जो विकास होगा बहुत अच्छा होगा, इसलिए मोदी सरकार आनी चाहिए। और क्या मतलब इन सब धर्म के मुद्दों को हटा देते और क्या काम? धर्म के मुद्दे, धर्म की जगह थोड़ी आस्था होती है, धर्म के मुद्दे भी थोड़े लिए जाते हैं। नहीं, धर्म के मुद्दे भी थोड़े होते हैं, थोड़ा धर्म भी होना चाहिए, थोड़ा विकास भी होना चाहिए। हाँ। जी नहीं कि खाली धर्म हो, विकास भी हो, धर्म भी, दोनों संग चलने चाहिए। पब्लिक को परेशानी हो, धंधा रोजगार हो, ये सब चाहिए। मेन बात तो ये देख रहे हो आप, मेन चीज़ तो हिंदुत्व, ये दिख रहा है, इससे पहले तो ऐसा नहीं होता नहीं था। आप बीजेपी को वोट करते हो हिंदुत्व के लिए, ऐसा माना जाए? हिंदुत्व के नाते ही अगर जो बीजेपी की वजह से हिंदुत्व को बढ़ावा मिला है, उस बोला मैंने इसलिए बीजेपी के साथ। पहले नहीं मिला था? पहले बीजेपी से पहले कहाँ था? तो सही, पहले भी तो नॉर्मल था, अभी भी नॉर्मल ही है। नहीं, यहाँ पर बहुत फर्क पड़ा है, योगी सरकार जब से आई है से हिंदुत्व के हिसाब से बहुत 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 बड़ा बढ़ावा मिला है। क्या बढ़ा, किस मतलब किस वे में बढ़ावा मिला, किस चीज़ में बढ़ावा मिला? किसी भी आप धार्मिक प्रोग्राम में देख लो, किसी भी कोई प्रशासन के देख लो, ऊपर से ऑर्डर नहीं है प्रशासन, किसी हर काम में बंदिश लगी होती है, हिंदुत्व के लिए कोई वो नहीं होती है, किसी एक अलग समुदाय के लिए वैसे प्रभाव उसको सुविधा दी जाती है। कहने का मतलब ऐसा है कि बीजेपी की राज में जो सुख शांति है, आज तक किसी की राज में सुख शांति नहीं हुई। जो पिछले समुदाय को जो सुविधा दी जाती है, हिंदू तो नहीं दी जाती थी। हाँ। नहीं दी जाती है। नहीं दी जाती। अब कम से कम हिंदू हमने मंदिर जो 30 तो आ रहे हैं, अपने अपने खुल के मना तो रहा है, खुल के कभी भी डीजे बजाओ या कभी होगा, मान लो अगले सरकार में साहब जगह सब डीजे पे बैन लगा दिया, कांवड़ यात्रा में या डीजे बंद करा दिया भाई। अब जब शोभा यात्रा में डीजे नहीं बजेंगे, सब यात्रा में बजेंगे डीजे, ये बताओ। तो आपके लिए एक आपका कहना एक मतलब ये है कि बीजेपी जब सही हिंदुत्व के लिए काम हुआ है तो आप उससे खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब असल मुद्दे पे आ जाते हैं, असल मुद्दे पे काम हुआ है जो असल मुद्दे बेरोजगारी चलते रहते हैं, वो चलते रहते, बेरोजगारी भी चलते, जब सब कभी खत्म नहीं होगी। ये भ्रष्टाचार बेरोजगारी अगर मोदी जी क्या भगवान भी नीचे उतर आया ना तो खत्म नहीं होगा, कोई खत्म नहीं होगा। भगवान भी ऊपर उतर नीचे उतर के आया ना तो भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता। मैं सही हूँ, सामने वाले दूसरा सूरी सही है, एक मोदी सही है, एक मोदी बेचारा क्या करेगा? तो कांग्रेस खाता नहीं खुल पाएगी यहाँ? कुछ नहीं होगा कांग्रेस का, तो कांग्रेस का पहले से भी डाउन होगी, पूरे स्टेट पूरे कंट्री में पहले से भी डाउन होगी, चाहे कितना भी जो इंडिया के नाम से गठबंधन कर लें तो कुछ भी उसका कुछ नहीं होना है। चलो आप बताओ, हमसे पूछिए ना मथुरा की क्या स्थिति है, क्या नहीं, क्या है मथुरा की स्थिति, किसके हवा मथुरा की क्या स्थिति है, 10 साल में क्या कराया हेमा मालिनी ने? कुछ हुआ है हेमा मालिनी जी रहती नहीं है पहली बार, तो वो करांगी क्या? मुंबई में मम्मी जाती है, हमने तो 10 साल में पहली बार उनको देखा ही नहीं है, एक ही बार देखा, उसके बाद में सकल ही नहीं देखी हेमा मालिनी की, तो वो क्या इधर आएंगी जनता के बीच बताइए? गरीब लोग रहते थे, उनके आशियाने जोड़ दिए, जो आपके बराबर में ही है गरीब लोग रहते थे,
तो क्या क्या है, पश्चात करा के ये गरीबों को मकान उजाड़ दिए, मकान तोड़ दिए, ये अच्छी बात थोड़ी नहीं है ना। ये क्या है भाई, विकास जो होता है वो अलग ही दिख जाता है। जो विकास पहले का था, जो पिछली सरकार थी वो लाई थी, तो उन्होंने ला के किया था। ये नाम करते हैं अपना वैसे सबका साथ सबका विकास, और क्या है इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या हुआ है। मत नहीं दिख रहा विकास हुआ मथुरा के अंदर, जो पिछली सरकार है उसका विकास है। तो इस बार कांग्रेस के जो प्रत्याशी है डांगर साहब, मुकेश डांगर है शायद, देखो वो आपकी बात, वो आपकी बात ठीक है, मैं मान रहा हूँ टक्कर दे पाएंगे, बढ़िया प्रत्याशी है, जनता अपने प्रत्याशी को चाहती है, अपने बीच में रहे। हेमा मंडी क्या है, आज इधर है कल मुंबई में, 10 साल हो गए, 10 साल में मैंने उसको एक बार देखा, एक भी दूसरी बार मैंने उसको देखी हो, वो कर रहती है जनता की भी थोड़ी नहीं रहती है, वो ज़्यादातर मुंबई और वहाँ रहती है। जो प्रत्याशी अपना होना चाहिए मथुरा का, जो अपने बीच रहे, जो जब चाहे जब उसको बुला लें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये नहीं कहा गरीबों को, उसको दुनिया की राजनीति है, मंदिर मस्जिद ये कुछ नहीं होता है। जो भाईचारा मथुरा के अंदर बनवा वो है ना, वो कहीं नहीं बन हुआ इस तरीके की। आप देख रहे हैं, मैं क्या देखूं, आप पूरा चैनल देख रहा है आपका, किस तरीके से राजनीतियाँ चल रही हैं, जो बोल रहा है उसके खिलाफ ईडी, उसके खिलाफ सीबी, तो ये थोड़ी नहीं होता। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री को मैंने तो अपने उसमें कभी देखा नहीं जाता, उस बंदों को अंदर डलवा दिया, तो क्या हो रहा है भाई, गुंडाराज हो रहा है और क्या हो रहा है। सत्ता आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है मथुरा में? मथुरा में ये कि कांग्रेस ही आनी चाहिए। अच्छा, वो क्यों? वो जो यहाँ गरीबों के घर तोड़ दिए, मकान तोड़ दिए, बिल्डोजर चला दिया। हेमा मालिनी आती कभी घूमने यहाँ? हेमा मालिनी आती है कभी कब आ जाती है, वो तो यहीं से अपने दर्शन करके बम्बई चले जाती है, और क्या मुसलमानों की सब्जी बंद करा दी इतने, जो मुसलमान सब्जी खाते थे वो बंद करा दिया योगी, मतलब मीट वगैरह। अच्छा, ऐसे बोलो ना यार, पीछे साल से रह रहे थे ये गरीब लोग रह रहे थे, सैकड़ों साल से मुसलमान की सब्जी बंद करा दी, इससे ना क्या 50 साल से रह रहे हैं वो, उसमें होता है ना या फिर परमानेंट बंद हो गया, नवरात्रि में बंद होता है ना, मुसलमान की सब्जी बंद करा दी बिल्कुल। मथुरा का माहौल बदलना चाह रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश का, जो गुंडरान उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा वो कहीं नहीं हो रहा। वैसे कहते थे बहन बेटी सबका था सबका साथ, ये क्या है ना, इस तरीके से थोड़ी है ना। सर क्या मथुरा में माहौल है, क्या लग रहा है, कौन आगे चल रहा है? मथुरा में बढ़िया माहौल है, और पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार दोबारा बनेगी। वो क्यों बनेगी, मतलब रीजन बताओ। यहाँ विकास का हुआ क्योंकि ये मेयर का नाम है, लोकसभा का इलेक्शन है ना कि विधायक की का इलेक्शन है। लोग क्यों, लोगों की शिकायत है कि हेमा मालिनी कभी घूमने नहीं आती यहाँ पे, तो यहाँ घूम के क्या करेंगे, वो उनके साथ घूमने जाएंगे, उनके साथ होता ना इंस्पेक्शन करना, निरीक्षण करते हैं। यहाँ का विधायक देखेगा ना, ये तो सिर्फ असेंबली में बैठ के बिलिंग पास करेंगे ना, विधायक का काम, विधायक का काम है ना, निरीक्षण तो बनता है ना, इंस्पेक्शन तो बनता है। बिल्कुल निरीक्षण बनता है, निरीक्षण बनने बनवा लो आप भले, फिर भी बहुमत आएगा पूरा, क्योंकि यहाँ विकास जमीनी स्तर पर हुआ है। लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम है वो सबकी बनी रहेंगी अपनी अपनी। टक्कर दे पाएगा कांग्रेस के जो डांगर साहब है? कहीं भी नहीं है, कहीं से भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 7 लाख वोटों से हेमा मालिनी, 7 लाख वोटों से। आपको कैसे पता? पता है ना, अंदर की बात है, अंदर की बात है, और क्या। पहले 3.5 लाख से भी जीती थी, वो RLD कैंडिडेट के पौने 3 लाख वोट आए थे। जैन चौधरी आपके बीजेपी। जो मसला ये हो गया है कि जो पिछली बार RLD से नरेंद्र सिंह लड़े थे, टक्कर दी थी, दूसरे नंबर पर आए थे। बात कुछ नहीं है, एक तरफा खेल है, कोई इलेक्शन है नहीं, प्रचार है ही नहीं, क्या है यहाँ, कुछ लड़ने वाले हैं वो तो निर्विरोध हो जाती। मैं तो थोड़ा बोलूँ कि आपके बार RLD बीजेपी के साथ, अब तो कोई टक्कर देने वाला है दिख भी नहीं रहा। हाँ, बस ऐसा ही है, 1 लाख में सब, बाकी हेमा मालिनी। तो ये है मथुरा वालों के मुद्दे, मथुरा वालों के ओपिनियन, राय, विचार, जो भी आप कहें, जो भी आप समझें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मेरा नाम है मुन्ना सैफी, मेरे कैमरे के पीछे हैं तनिष्क।